प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने शुक्रवार शाम छापेमारी की। सिविल लाइन थाना पुलिस ने रोडवेज के नजदीक एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्थित 4 स्पा सेंटर्स पर एक साथ छापेमारी की। पुलिस की छापेमारी से स्पा सेंटर्स में हड़कंप मच गया। स्पा सेंटर के अंदर मौजूद लड़कियां और ग्राहक इधर उधर भागने लगे। पुलिस टीम ने स्पा सेंटर्स में आपत्तिजनक हालत में मिली 13 लड़कियों और 7 युवकों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में युगांडा की एक विदेशी लड़की भी शामिल है। स्पा सेंटर में कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद सिविल लाइन्स थाने में धारा 3, 4/5, 6/7 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 दर्ज कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार लड़कियों और युवकों का मेडिकल कराकर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। DCP सिटी दीपक भूकर के मुताबिक शुक्रवार शाम रोडवेज बस अड्डे के पास पीस वायर मॉल के ऊपर चल रहे 4 अलग अलग स्पा सेंटर्स जंक्शन स्पा, पैराडाइज स्पा, न्यू ग्रीन स्पा और वेव स्पा में छापेमारी की। खास बात यह है कि स्पा सेंटर्स ने लघु उद्योग विभाग से लाइसेंस लिया हुआ था, लेकिन स्पा सेंटर्स की आड़ में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चल रहा था। ADCP श्वेताब पांड्या के नेतृत्व में की गई छापेमारी में गिरफ्तार लोगों में 7 पुरुषों में 5 ग्राहक हैं, जबकि 2 स्पा सेंटर्स के मैनेजर शामिल हैं। वहीं स्पा सेंटर्स से पकड़ी गई 13 महिलाओं में 11 लड़कियां देह व्यापार में लिप्त पाई गई हैं, जबकि एक स्पा सेंटर की महिला मैनेजर और एक स्पा सेंटर की महिला संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए, ये जो ACP सिविल लाइन है, इनकी टीम के द्वारा सिविल लाइन क्षेत्र में एक दबिश दी गई थी, जिसमें एक सूचना मिली थी कि एक स्पा सेंटर है, उसमें कुछ अनैतिक देह व्यापार से संबंधित कुछ गतिविधियां हो रही हैं। तो उसी इनपुट के बेसिस पे वहां पे दबिश दी गई और 4 स्पा सेंटर जो हैं उनमें ये छापेमारी की गई, जिसमें एक का नाम जंक्शन स्पा, पैराडाइज, न्यू ग्रीन और वेव स्पा, इन चारों पे पुलिस के द्वारा इसमें छापेमारी की गई और इसमें 13 महिलाएं और 7 जो पुरुष हैं वो हिरासत में लिए गए हैं और जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। एक विदेशी महिला भी है इसमें? एक इसमें महिला मिली है जो मूलतः युगांडा की रहने वाली है और उसके भी पासपोर्ट के डिटेल और वीज़ा डिटेल्स जो हैं वो पुलिस निकलवा रही है और उसमें भी जो क्योंकि FIR इसमें हुई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी अन्य तथ्य इसके विदेशी महिला के संबंध में आएंगे उसके सापेक्ष में ही पुलिस अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करेगी। सर, ये स्पा सेंटर्स का लघु उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन भी था, तो किस तरह का यहाँ पर उद्योग चल रहा था? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इनपुट जो हमें मिली थी वो स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक देह व्यापार की मिली थी और जब पुलिस ने वहाँ पर छापेमारी की है तो ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि वहाँ पे ऐसी जो अनैतिक देह व्यापार से संबंधित गतिविधियाँ चल रही थी उसी के दृष्टिगत ये छापेमारी करके इसमें गिरफ्तारियाँ हुई हैं और FIR इसमें पंजीकृत की। गिरफ्तार युवक जो है आसपास के रहने वाले हैं, बाहर के हैं? लड़कियाँ कहाँ से आती थी, कुछ जानकारी है? जो कुछ लोकल हैं लड़कियाँ, जो जिनके डिटेल्स हमें मिले हैं और एक जैसे मैंने बताया कि युगांडा की एक महिला थी। बाकी और कौन इसमें इन्वॉल्व थे, कौन इनका संचालन कर रहा था, वो सारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जो लोग सम्मिलित होंगे उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये 4 मकान मालिक हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई? जहाँ पे स्पा सेंटर चल रहे थे इस तरह के अनैतिक कार्य के लिए कमरा दे रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई? देखिए, जैसे मैंने बताया अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें प्रचलित है, अगर किसी की भी इन्वॉल्वमेंट होती है चाहे वो जो भी है तो पुलिस उसमें उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ये 4 स्पा सेंटर किसी एक ही व्यक्ति के हैं? नहीं, ये अलग अलग ऑनर हैं, उनके डिटेल्स पुलिस के पास आ गए हैं तो उनमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक।